पार्किंग चार्ज कितना है? 30 रुपया। जैसे ही आप मेले के अंदर घुसते हैं, मेले में हम लोग दुकान जब लगाते हैं, कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं जरा एक बार बात कर रहा हूँ। मैम इसलिए हर पले के हर सारी चीज़ें कवर करता हूँ। जब इस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझे घेर लेते हैं। कितने का देते हैं? नमस्कार, आप 48 किलो हैं। रौनक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। खाता हूँ चारों तरफ से कुछ कैसा दिखता है। सिंगल कंबल कितने से स्टार्टिंग है? कितने का है? 350 का। थोड़ा थोड़ा के दिखा दो। क्या है ये भाई साहब? फूल लगाने के लिए पॉट है ये सर। आपके पास सारे का सारा लकड़ी का सामान है? हाँ सर, पास का चूड़े तक लकड़ी चाहिए तो? हाँ सर। ये जगह काफ़ी अच्छी है। क्या एक कड़ा है? हाँ एक कड़ा। अच्छी जगह ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लकड़ी की है। कई जगह लाइट आ चुकी है, कई जगह लाइट नहीं आई है। अपने सामान की रक्षा वगैरह यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैक्सी हो चाहे पजामा वगैरह हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। चप्पलें देखते हैं बाजार कानपुर सेल। कानपुर सेल क्यों है? वहीं से आता माल, कानपुर लगता है। इसका क्या प्राइस है? दाम 130 रुपये। यहाँ पे आप ये ऊपर वाली चप्पल ले लो या फिर ये ले लो, 130 रुपीज़ का है। और ये सामने वाली है 180 रुपीज़ का। इसके अलावा बैग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे किस तरीके के, तो जो प्राइस है वो है 180 रुपीज़ जो कि फिक्स है। और एक बात यहाँ लिखी गई है, अपना टाइम आएगा। यहाँ पे भी सारे बैग का प्राइस फिक्स है? 180। कोई सा भी उठा लो, चाहे छोटा उठाओ चाहे बड़ा उठाओ। छोटा। जैसे ये गोल्ड की चैन है क्या? ये भी 180 का तो नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? किशन। हाँ किशन, कहाँ से आए हो? अयोध्या। अयोध्या से आए हो? कितनी दूर से? यहीं रहते हो रात को? हाँ। ठीक है, अयोध्या से आए हो आप लोग? कितनी दूर से? क्या करेंगे भैया, तो बहुत नज़दीक है। तो हर साल यहाँ पर आते हैं? हर साल आते हैं। तो इसके अलावा और कहाँ मेला लगाते हैं? बहुत जगह, गोरखपुर हो गया, अच्छा आजमगढ़ हो गया, कमाऊ हो गया। अच्छा, पूरे 12 महीने मेले लगते रहते हैं। अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? गोरखपुर। गोरखपुर के बाद? गोरखपुर के बाद देवपाटन, तुलसीपुर, बलरामपुर के पास। तो आपका अधिकतर मेले में सारा काम, मेले का ही सारा काम? हाँ, मेले का सारा। ये सारा सामान आप कहाँ से, दिल्ली से लेकर आते हैं? बहुत जगह से जाती है, कई आइटम कई जगह से आते हैं। जैसे कि ये बैग्स हैं, ये अधिकतर सब अलग, बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, राजकोट हो गया, दिल्ली में सदर बाजार, सदर हो गया। तो आपने देखा
यहाँ पे काफ़ी अलग जो बंदे थे वो अयोध्या के थे और वो काफ़ी पूरे साल जो कि देखा जाए तो इसी तरीके से मेले के अंदर अपनी शॉप्स लगाते हैं। ये मेला ख़त्म होगा उसके बाद वो गोरखपुर जाएंगे, फिर वो मेला ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे। ऐसी उनकी क्या होती है कि डेस्टिनेशन चेंज होती रहती है, इसी तरीके से वो महीने भर एक मेले में फिर दूसरे मेले में एक महीने इस तरह टाइम बिता जाता है। सो अब जाके थोड़ी क्या है कि लाइट चली है तो थोड़ा मार्केट के अंदर रौनक आई है, अदरवाइज अभी थोड़ा बिल्कुल लाइटिंग कंडीशन काफ़ी डल हो चुकी थी। मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल ठीक ही है, चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी। क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज़ नॉट टू गुड, चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, आपको ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ग्लास मिल रहे हैं, कप वगैरह एक बार दिखाता हूँ। कितनी है? ये चाय पीने के लिए, चटनी के लिए और ये पीने के लिए दूध कॉफी लस्सी। चलो ये भी कॉफी। ये कितने का है? 40 अच्छा लग रहा है। और ये 140 रुपए का है। 40 का कितने का है? चलिए ग्लास कितने के? ये हाँ 150 रुपए के 6। और ये टूटते नहीं है वो वाले ग्लास है ना? 60 रुपए। और कांच वाला ग्लास कितने का? कांच का वो लगा। ये ग्लास है जिसको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। इस तरीके का कांच का ग्लास है, पिछले साल लेके गया था इस मेले से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय तो नहीं चला लेकिन ठीक ठाक था। यहाँ पे मिल रही है बॉम्बे की फेमस भेलपुरी। कहाँ से आए भाई साहब आप? छपरा से हैं। तो रात भर यहीं रहते हैं आप? एक महीने तक यहीं रहेंगे। सर सेलिंग का क्या हिसाब किताब है? अच्छी सेलिंग है? कैसी सेलिंग है? अभी तो कम है, अभी सेलिंग कम है। ये क्या चीज़ है? कुछ तो आपकी अच्छी आ रही है, मुँह में पानी से आ रहा है। इस भेलपुरी को मैं कहूँगा कि यू कैन ट्राई अगर चाहते हैं तो, क्योंकि इसकी जो स्मेल थी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे अब जो क्या धीरे धीरे लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होती जा रही है, इसके वजह से यहाँ पे मिल रहा है आपको 30 रुपये में हर एक माल। फाइबर का पीढ़ा लीजिए मात्र 30 रुपया में। जी हाँ, यानी कि कोई भी सामान आप ले रहे हैं लखन एंड कंपनी वाली पूरी दीदी की धूम और तहलका मचाते हुए कोई भी सामान 30 रुपये में लाल दिखाना। अब आपके मेले में बिल्कुल पहली बार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो कि 30 रुपये में अवेलेबल है। और यहाँ की मूसी दुकानों की एक बात है कि अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप आइए, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन बाय। कहाँ जाएगा टीवी पर? इंटरनेट पर जाएगा। इंटरनेट कितने का है? दाम दाम बताइएगा। एक 80 रुपये का एक है। और ये 60 का एक। कप वगैरह है, ग्लासेस वगैरह है। कौन से चैनल पर जा रहा है? राजेश प्रसाद यूट्यूब चलाते हैं। हाँ यूट्यूब पर सर्च कीजिए राजेश प्रसाद, आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ये भी